मिर्जापुर के थाना कछवा क्षेत्र में कछवा स्पोर्टिंग क्लब मिर्जापुर के तत्वाधान में राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के कई हिस्सों से चुनिंदा खिलाड़ियों को बुलाकर टूर्नामेंट कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह यादव उपस्थित रहे। आंदोलित है और मजदूरों के हक को दिलाने का काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि मजदूरों के बीच आप जा रहे हैं, आपके पहले इससे पहले आपकी सरकार थी, कौन सी योजना मजदूरों के लिए आपने लागू की थी मजदूर, उसके बाद जो सरकार आप कह रहे हैं सरकार बन रही, तो कौन सी ऐसी योजना है जिसको आप लागू करना चाहेंगे मजदूरों के लिए? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों में हमारी जब पहले इससे सरकार रही तो हम जिसने भी श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाया समाजवादियों ने उसे एक साइकिल देने का काम किया। इस तरह से पूरे प्रदेश में 8.5 लाख साइकिल हम लोगों ने पिछले सरकार में ज़रूरतमंद गरीब मजदूरों को देने का काम किया। अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा धारा 1978 के तहत कैबिनेट में ज़बरदस्ती मजदूरों के हक का दमन किया गया। हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कैबिनेट में विरोध भी किया गया, लेकिन किसान और मजदूर विरोधी इस सरकार ने उसको कैबिनेट में पास कर दिया। वो है क्या, इसके बारे में भी आप जान लें। पहले ये होता था कि जैसे फैक्ट्री मालिक, मिल मालिक अगर मजदूर का वेतन नहीं देता था तो मजदूर जाके लेबर कोर्ट में मुकदमा करता था। मुकदमा करने के बाद उस मिल मालिक को 6 महीने से लेकर 3 साल तक सजा का प्राविधान था और उसके बाद 50,000 रुपया जुर्माना। लेकिन मौजूदा सरकार ने पूंजीपतियों को राहत देते हुए उस कानून को ख़त्म करके यह कानून लागू कर दिया। अभी जल्द ही कैबिनेट में हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कि अब अगर मजदूर की मजदूरी फैक्ट्री मालिक नहीं देता है तो उसको जेल या मुकदमे का प्राविधान ख़त्म करते हुए जुर्माना राशि 1,00,000 रुपया कर दी गई। ये हमारे मजदूर भाइयों के साथ अन्याय है। मैं कह रहा हूँ अगर एक मजदूर करोड़पति फैक्ट्री मालिक से कैसे लड़ेगा जब कानून में उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी। क्या लगता है आपको कि मजदूरों के प्रति जो वर्तमान सरकार जैसा बता रहे हैं जी, बिल्कुल व्यवहार ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं। सरकार आएगी तो ऐसी कौन सी योजना है जो टर्निंग पॉइंट साबित होगी उनके जीवन स्तर को सुधार के लिए मजदूरों के लिए? हमारे यहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा मजदूरों के लिए स्पेशली, जो मजदूरों के लिए स्पेशली लागू हो जी, मजदूरों के लिए दवाई मुफ्त, सिंचाई मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं सर्विदित। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नरेश यादव है, मैं कछवा स्पोर्टिंग क्लब फुटबॉल का अध्यक्ष हूं। हमारे साथ अरशद भाई हैं, महेश जी हैं, जितेंद्र हैं, दादा हैं, तमाम लोग साथी हैं जो कि काफ़ी इस टूर्नामेंट को सफल कराने में बहुत मदद इनकी मतलब ये सब करते हैं। मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबसे पहले आपको भी धन्यवाद देता हूँ। देश के युवा को खेल के प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देश को युवाओं को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि वह पढ़ाई के साथ भी खेल भी बहुत ज़रूरी है, खेल से हमारे भारत का गौरव का सम्मान बढ़ता है। खेल के मुख्य अतिथि कौन यहाँ कर रहे हैं? इसके पहले राम सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष मधुर सभा के समाजवादी पार्टी के थे और हमारे दूती हैं हमारे बड़े भाई प्रभाकर राय जी, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर कितने वर्षों से ये खेल खेला जा रहा है? यह विगत 1960 से चला हुआ रहा है अनवरत, बहुत पुराना यह क्लब है कछवा स्पोर्टिंग क्लब।